First of all, I thank all the media persons to be present here for this media press note. Our Commissioner's Task Force, West Zone team, along with Southwest Police, एक हबीबनगर पुलिस स्टेशन का और एक आसिफ नगर पुलिस स्टेशन का, ये लोगों के दोनों जॉइंट ऑपरेशन करके दो ड्रग्स केसेस को बर्स्ट करे। उसमें एक केस है, हबीबनगर का केस है। इसमें जो गांजा, ऑर्गेनिक गांजा, इसको ओजीवीड गांजा बोलते हैं। इसको ओजीवीड गांजा बोले तो ये अपने को ज़मीन पे इसको नहीं करते, इसको ये पानी में करते हैं। ये जो ओजीवीड गांजा स्पेशली सी प्लेसेस में बनता है। ये अपने को मुंबई से, वहाँ से हैदराबाद को ये लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। अपने को एक टिप ऑफ इंफॉर्मेशन में, यहाँ के ये मल्लेपल्ली में रहने वाला सैयद अब्दुल्ला बोलने वाला, इन्हों गांजा का एडिक्ट हो गए थे। उन्हों शुरू शुरू में उन्हों लोकली जो गांजा मिलता वो गांजा यूज़ कर रहे थे, कंज्यूम कर रहे थे। उसके बाद में क्या कहा, उनका कोई रिलेटिव है उसका, अनस अहमद शेख बोल के, मुंबई में रहने वाला, उनके जरिए ये ओजीवीड गांजा, ऑर्गेनिक गांजा प्रोक्योर करके उन्होंने जो जितना कंज्यूम करता वो कंज्यूम करके बाकी यहाँ पे कस्टमर्स को दे रहे बोल के हमारे को इन्फॉर्मेशन था। वो इन्फॉर्मेशन पे हम वॉच करते थे, वॉच करते करते कंटिन्यूस में परसों 30 तारीख के दिन ये इनको वॉच करते, वॉच करने के टाइम पे ये अब्दुल्ला से मिलने अनास अहमद शेख, इरफान राजू शेख, ये दोनों भी मुंबई के रहने वाला है। ये दोनों हैदराबाद आके यहाँ पे अपना मल्लेपल्ली एरिया में ये तीनों मुलाकात कर रहे थे। सस्पिशनली हमारा सस्पिशन आके हबीबनगर पुलिस के साथ हम ये तीनों को सर्च करें तो ये लोगों के पास में अपने को 147 ग्राम्स ये ओजीवीड गांजा मिला है। और इमिडिएटली वो लोगों को अरेस्ट करके प्रोसीजर के हिसाब से जो अरेस्ट का करना था वो पूरा कर लेके वो लोगों को 30 तारीख के दिन आज कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिए हैं। और ये लोगों को बाद में पुलिस कस्टडी लेके हम पूरा डिटेल्स, इसके कंज्यूमर्स कौन है, सोर्स कहाँ है, कौन है, ये पूरा हमारा डीसीपी साहब के जरिए से हम वो करेंगे। और दूसरा केस में ये हाशाइल है, इसमें हंटल गोवर्धन अलियास गोवर्धन बोल के एक आदमी, ये हमारे को शुरू से एक इन्फॉर्मेशन था, ये हैदराबाद को ओडिशा से हाशाइल आ रहा बोल के। हमारा सोर्सेस के मुताबिक हम इसको वॉच करते हुए, इनका मूवमेंट्स को वॉच करते हुए ना हैदराबाद आ रहे बोल के हमको मालूम हो गया। तो आसिफ नगर पुलिस के वो लोगों के असिस्टेंट्स लेके हम लोग इनको ट्रैक करें तो इन्हों हमारे को साई बाबा टेम्पल गुडीमल कापुर पे इन्हों सस्पिशियस सर्कमस्टांसिस में मूव कर रहा था। तो उसको इमिडिएटली चेक करें तो हमारे को 2 किलो हाशाइल मिला है। वो उसका वर्थ है अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख रुपीज़ से हाशाइल मिला है। तो ये हाशाइल लेके उनको वो सीज़ करके वो आसमनगर पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर करा है। इसको फर्दर भी हम इंक्वायरी करेंगे पुलिस कस्टडी लेते, पोस्टल कस्टडी के बाद इन्हों कौन सा केसेस में इन्वॉल्व है, किधर किधर इन्हों सप्लाई करता, इनका मास्टर कौन है, ये पूरा डिटेल्स लेके फर्दर इसको एराडिकेट करने की कोशिश करते हैं। अभी तक नहीं मालूम, हम लोग पुलिस कस्टडी लेने के बाद मालूम। कितने टाइम्स बोल के अभी नहीं बोल